हेलो नमस्कार सत श्री अकाल के हम छो कस से काय के हाल है केना छी यहां सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग के मोना जो मन कम खंधा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग राधे राधे और राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कर्क राशि फल नवंबर 2024 के बारे में। कर्क राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा रहेगा, आइए फटाफट ग्रहों के स्थिति को समझ लें कि ग्रह की क्या स्थिति है, ग्रह कहाँ है। कुंडली के प्रथम भाव में नीच का मंगल बैठा हुआ है, दूसरे में कोई नहीं है, तीसरे में केतु है, चौथे में नीच का सूर्य है, पंचम में सूर्य शुक्र और बुध है। 16 नवंबर के बाद सूर्य कुंडली के पंचम में आ जाएंगे, 7 नवंबर के बाद शुक्र कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे, शनि अष्टम में है, नवम में राहु है, दशम में कोई नहीं, एकादश में गुरु, द्वादश खाली है। तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करते हैं। सूर्य कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है। देवी और सज्जनों, अगर जीवन से मन भर गया है, हार मान गए हो कि समस्या से अब उभरा नहीं जा सकता, अब निकला नहीं जा सकता, तो हार नहीं मानो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको समस्या और समाधान दोनों से अवगत करवाने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं दिखाने जा रहा हूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है इस महीने में आपके लिए, और उस बुरा है तो उस बुरे से बाहर कैसे निकलोगे वो रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए समझते हैं। सूर्य कुंडली के चौथे भाव में नीच का है। अगर नीच का है और मैं आपको इसका अच्छा फल बखान करके कह दूं कि वाह वाह ये होने वाला है वो होने वाला है, तो ये मेरी मूर्खता होगी अथवा आपको मूर्ख बनाना होगा। तो ऐसा नहीं है, सच्चाई से सामना करो और उसका समाधान भी करो। सूर्य के कुंडली के चौथे भाव में 16 नवंबर तक बैठने के कारण ये आपको सुख में कमी देने का प्रयास करेगा। आपको छाती हृदय फेफड़े से संबंधित समस्या जिस किसी भी व्यक्ति को है, वो लोग थोड़ा सा विशेष सावधान रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये सूर्य आपको परेशान कर देगा। सूर्य का यहाँ पर में बैठना कुंडली के चौथे भाव में आपके लिए ये दर्शा रहा है कि जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग और किसी प्रकार का कोई इशू है तो इस समय में टकराने का प्रयास ना करें, 16 नवंबर तक उसको सुलझाने की कोशिश ना करें, अथवा जमीन मकान गाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या में अभी 16 नवंबर तक पढ़ने का प्रयास ना करें, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी। सप्तम दृष्टि इसकी दशम भाव पर में है, पिता के साथ वाद विवाद हो सकता है 16 नवंबर तक, पिता तुल्य लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान को धूमिल करने का सूर्य प्रयास कर सकता है 16 नवंबर तक, पैर में चोट लग सकता है, घुटने में दर्द हो सकती है, सावधान रहेंगे अच्छा रहेगा। सूर्य जब 16 नवंबर के बाद कुंडली के पंचम भाव में आएंगे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंचम भाव में बैठा हुआ जो सूर्य है वो आपके लिए अच्छा फल देगा। कैसे बढ़िया फल देगा तो वो आपको उससे अवगत करवा देता हूं। पंचम भाव का बैठा हुआ सूर्य जो है सो आपको संतान का सुख देगा, संतान के सुख से ओतप्रोत कर देगा, संतान के परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, संतान के लिए जो है ये समय बहुत अच्छा रहेगा। धन धान्य संपत्ति को उठा के संतान के कंट्रोल में डाल दिया, बच्चा छोटा भी है फिर भी उससे राय विचार करके काम करोगे तो धन धान्य संपत्ति में 16 नवंबर के बाद जो है सो विशेष वृद्धि का योग है, पैसा बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, बैंक बैलेंस जो है आपके पास में ज्यादा से ज्यादा इस समय में आएगा। सूर्य के बाद मंगल की बात करूं तो मंगल और सूर्य की दृष्टि भी यहां पर में है तो इसके रिगार्डिंग भी लाभ देगा। मंगल जो है आपके कुंडली के मस्तक पर में नीच का विराजमान है। मैं कैसे कह दूं कि आपको ये अच्छा फल देगा, कैसे कह दूं बताओ। अगर कोई कह रहा है तो आपको वो बेवकूफ बना रहा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं कर रहा है। मंगल नीच का मस्तक पे विराजमान है, इस समय में आपको मेंटली तौर पर में विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मानसिक तौर पर में आप मंगल के कारण इस महीने में ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, गुस्सा ज्यादा आएगा, क्रोध ज्यादा आएगा, छोटी छोटी बातों पर में आप टेंशन में आ जाओगे। मैं कैसे कह दूं कि मंगल आपको अच्छा फल देगा। हाँ, पिता जो है सो पिता के साथ संबंध आपका मंगल खराब करेगा, यहाँ तक कि संतान के साथ भी बकझक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये मंगल आपको उस मामले में भी नुकसान कर सकता है।
क्योंकि ये संतान और पिता दोनों का मालिक होके आपके मस्तक पे बैठ गया, वो भी नीच का होकर के बैठ गया, तो खराब तो करेगा। मंगल के लिए उपाय आपको बता देता हूँ, नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का एक माला, दो माला, चार माला, पांच माला, जितना बार हो सके, नहीं हो तो हनुमान चालीसा का ही पाठ दैनिक तौर पर जरूर करो, मंगल आपका कुछ नुकसान अहित नहीं कर पाएगा। सूर्य जो है सो खराब है, 16 तारीख तक तो सूर्य को 16 नवंबर तक दैनिक तौर पर सुबह में स्नान करके जल दो, अथवा जब भी नहाते हो उसी वक्त जल दो, सूर्य आपको सुरक्षा करेगा, बुरा फल नहीं देगा। बुध की अगर बात करूं तो बुध कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है, कुंडली के तीसरे और बारहवें भाव का मालिक होकर के पंचम भाव में बुध का विराजमान होना ये दर्शाता है कि इस समय में आपको पराक्रम में वृद्धि होगी, खूब मेहनत परिश्रम बुध करवाएगा, आपको ही नहीं संतान भी आपके साथ पांव से पांव मिला करके काम करेगा, उसी बीच में कुछ टेंशन तनाव होगी, तो बुध का रिजल्ट जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। बुध के बाद अगर गुरु की बात करें तो गुरु कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है, एकादश भाव में कोई भी ग्रह पापी से पापी बैठ जाता है वो भी कुछ ना कुछ अच्छा फल दे ही देता है, ये तो देव गुरु है। गुरु का यहाँ बैठना जबकि शत्रु क्षेत्रीय है फिर भी आपको लाभ देगा, भाग्य भरोसे आपके पास बहुत पैसा आएगा, आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, कुछ बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी इस महीने में, मनोकामना की पूर्ति करवाएगा, आपके जो सीनियर्स हैं आपसे जो बड़े लोग हैं उन सबके साथ संबंध में अच्छाई देखने को मिलेगी, उनके साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, वो लोग आपके साथ जो है सो अच्छे तरीके से पेश आएंगे, आपकी मदद करेंगे, तो गुरु का रिजल्ट भी आपके लिए बढ़िया है। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है 7 नवंबर से पहले तक, तो ये प्रयास करेगा कि आपको संतान का सुख मिले, ये प्रयास करेगा कि आपके प्रेम प्रसंग अच्छे चले, ये प्रयास करेगा कहीं किसी के प्रति चाह है तो आप उसे प्रपोज करें अथवा वही आपको प्रपोज कर दे, शुक्र का ये चाह रहेगा। शुक्र की जो है सो 7 नवंबर के बाद स्थिति कुंडली के छठे भाव में आ जाएगी, माता कुछ बीमार पड़ सकती है 7 नवंबर के बाद, माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए, लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए 7 नवंबर के बाद, नहीं तो केस मुकदमा तक बात पहुंच सकती है, तो अगर कोई दो बात बोल भी दे तो सुन करके इग्नोर करके आगे बढ़ जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि जो है सुकुंडली के अष्टम भाव में है तो आपके जीवन की रक्षा करेगा लेकिन जीवन को परेशानी से भर देगा, कहते हैं ना कि तिल तिल मारना, तो आप जीवित तो रहोगे लेकिन शनि आपके मार्ग में इतना बाधा उत्पन्न कर देगा, इतना परेशानी उत्पन्न कर देगा कि आपको लगेगा कि यार एक भी काम मुझसे नहीं हो रहा है, क्या करूं नहीं करूं, कहीं सफलता नहीं मिल रही, ये शनि करेगा। लेकिन शनि के उपाय भी बता देता हूँ, शनिवार के दिन नमो शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला अगर जाप कर लेते हो इस महीना के चारों शनिवार को, शनि आपका बाल बांका नहीं करेगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा शनि। राहु जो है सुकुंडली के नवम भाव में है, ससुराल से वाद विवाद करने का प्रयास ना करो, ससुराल से कुछ बहस हो सकती है, धर्म कर्म के प्रति आस्था कम रहेगी लेकिन यात्रा बहुत होगी, ट्रेवलिंग ज्यादा करोगे। केतु कुंडली के तीसरे भाव में बुध के घर में है तो ये बढ़िया फल देगा, ये आपके धैर्य को बनाएगा, गुप्त शत्रु का नाश करेगा, ईएनटी से संबंधित समस्याएं आएंगी लेकिन उससे आपको सुरक्षा करने का ये केतु प्रयास करेगा। तो देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए नवंबर महीना का यही था संक्षिप्त में राशिफल, जो बहुत शॉर्ट में हमने बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं, और जीवन से हार ना माने, जीवन जंग का दूसरा नाम जीवन है, संघर्ष का दूसरा नाम जीवन है, जो परेशानी है मैंने सामने रख दिया उसका समाधान भी आपको बता दिया, डर किस बात का, जब ऊपर वाला आपने साथ है तो डरने की क्या बात है, इसलिए जीवन से लड़े, लड़ने का प्रयास करें, संकट से घबराए नहीं, क्योंकि आप जब किसी भी बड़े व्यक्ति की नजर उठा करके आंख बंद करके देखोगे, उनके बारे में जानोगे, तो जितना हमने और आपने संघर्ष जीवन में कभी नहीं झेला उससे ज्यादा उस व्यक्ति ने संघर्ष झेला और आज उस मुकाम पर भी पहुंच गया जहां पहुंचने के लिए मैं और आप सपने देखते हैं। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।